हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसएससी रीजनिंग महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, कितने गमलों में केवल गुलाब खिले हैं? केवल गुलाब खिले हैं। देखिए दोस्तों, ये तीन आकृति आपके सामने दिख रही है। जो गोल आकृति दिख रही है गमले की है, और ये त्रिभुज वाली आकृति चंपा की है, और ये जो आयत वाली आकृति दिख रही है गुलाब के फूल की है। अब अपनों को देखना है कि केवल कितने गमले हैं, गमले की आकृति कितनी गमले जिसे जिसमें केवल केवल गुलाब खिले हुए, केवल गुलाब गुलाब के फूल खिले हुए। तो देखने वाली बात है, ऑप्शन आपके सामने 7, 5, 11 और 12। 7 ऐसे हैं जो केवल गमले हैं, तो हो नहीं सकता है। 5 ऐसे हैं जो केवल चंपा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब 11 और 12 में अपने को आंसर देना है। तो 11 देखते हैं, 11 संख्या ऐसी आ रही जो गमले में भी है, गमले में भी है और गुलाब के अंदर भी है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान देखने वाली बात है कि ये चंपा के फूल भी है, इसके अंदर चंपा भी है, चंपा का एरिया भी आ गया, ये एरिया चंपा का भी आ गया, त्रिभुज का एरिया है ना, ये चंपा का भी एरिया है, और अपनों को चाहिए केवल गुलाब की चाहिए, इसलिए 11 भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब 12 देखते हैं, तो 12 इसके अंदर कहीं दिख नहीं रहा आपको, लेकिन 12 हाँ दिखेगा। कैसे? देखिए, यहाँ से ये जो इतना एरिया है ये गुलाब का एरिया भी है, लेकिन चंपा का एरिया अगर बाहर निकाल देते हैं तो इतना एरिया अपना गुलाब का आएगा, यानी 5, 3, 8, 4, 12, यानी 12 ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ये 5, 3, 8, 8, 4, 12 ये से गमले में भी है और गुलाब भी है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।